नमस्कार, आप देख रहे हैं सलकोश शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज नीम का थाना में खेतड़ी के जो भाजपा प्रत्याशी हैं धर्मपाल गुर्जर, वो अपने पिता राम कुमार गुर्जर के मूर्ति स्थल पर आए हैं और उनका सम्मान किया है टिकट मिलने के बाद भाजपा से। आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है और धर्मपाल गुर्जर संबोधित कर रहे हैं आमजन को। खेतड़ी से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। नीम का थाना के रामलीला मैदान में जो राम कुमार गुर्जर की मूर्ति है, शहीद राम कुमार गुर्जर की, वहाँ पर अपने जो उनके पुत्र हैं धर्मपाल गुर्जर, वो आए हैं और सम्मान कर रहे हैं पिता का। टिकट भाजपा से टिकट मिली है और खेतड़ी में कई सालों से मांग थी, उसके बाद आज पूरी हुई है धर्मपाल गुर्जर की मांग और अब चुनावी मैदान में इस जंग में एक विशाल प्रदर्शन रैली के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आसार भी दिखाई दे रहे हैं धर्मपाल गुर्जर के चुनावी जंग जीतने के। और बाकी सभी अलग अलग प्रत्याशी मैदान में हैं लेकिन यहाँ सभी हैं और करण सिंह भोपिया भी यहाँ मौजूद हैं, प्रमोद बाजोर भी है और भी गुर्जर नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये बाकी खड़े और ये बाकी बाद में खींचो बाद में। नीम का थाना के रामलीला मैदान में शहीद राम कुमार गुर्जर की मूर्ति स्थल है, ये यहाँ पर उनके पुत्र आए हैं धर्मपाल गुर्जर, खेतड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में और यहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने पिता का भी आशीर्वाद लेने आए हैं और खेतड़ी से काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त फिलहाल। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर भाजपा की टिकट जिनको मिली है और वो एक चुनावी मैदान में है, चुनावी ये करण सिंह भोपिया हैं और इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर भी हैं, यहाँ पे सारे गुर्जर नेता भी मौजूद हैं। गुर्जर नेता यहाँ पे मौजूद है। राम कुमार क्या कहेंगे आप, आज राम कुमार गुर्जर की मूर्ति पर सम्मान किया है और चुनावी मैदान में धर्मपाल गुर्जर हैं, जोर से बोले थोड़ा। राम कुमार गुर्जर की मूर्ति पर जब आए हैं यहाँ से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं क्योंकि राम कुमार जी एक गरीबों के लीडर थे, एक किसानों के मसीहा थे, तो राम कुमार जी की मूर्ति पर आकर और राम कुमार जी के श्री चरणों पर फूल चढ़ाकर और उनसे यही आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि हमको भारी मात्रा में खेतड़ी से नीम का थाना से कोट पुतले से विजय बनाए, ऐसा राम कुमार जी से बिल्कुल शेखावटी के जो गुर्जर नेता थे उनका आशीर्वाद लिए हैं आज।
खेतड़ी से बहुत बड़ी जीत होगी धर्मपाल गुर्जर की, ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा का टिकट मिला है, आप क्या कहेंगे धर्मपाल गुर्जर को? एकदम 100% सही टिकट मिला है। सही टिकट मिला है क्या? 50,000 वोटों से जीतेगा। आप खेतड़ी से आए होंगे? सब खेतड़ी से संजय सिंह गांव डाटा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे युवा नेता भाजपा के राजेश गुर्जर भी हैं और भाजपा को जिताना है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर के बारे में? धर्मपाल गुर्जर संघर्षशील नेता है जिसने बचपन से संघर्ष किया है, लोगों की सेवा की है, उसको भी जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को जिताना है। बिल्कुल, ये देखिए सम्मान हो रहा है, धर्मपाल गुर्जर का सम्मान कर रहे हैं लोग, पहना रहे हैं। ये देखे किरण सिंह बोबिया ने भी कहा है और गुर्जर समाज के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खेतड़ी से काफी लोग यहाँ पर आए हैं और काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धर्मपाल गुर्जर को मालाओं से अभिवादन कर रहे हैं ये सारे लोग। आप लाइव चल रही है, शेयर करें पेज को, पोस्ट को फॉलो करें, पेज को फॉलो जरूर करें, फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, सबको शेयर करें। नीम का थाना में खेतड़ी से भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जो भाजपा के प्रत्याशी है धर्मपाल गुर्जर, वो यहाँ नीम का थाना में अपने पिता राम कुमार गुर्जर की मूर्ति का सम्मान और आशीर्वाद लेने आए थे और नीम का थाना में भारी लोग यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं धर्मपाल गुर्जर का। आप देख सकते हैं इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का काफी वर्षों से चुनावी मैदान में है। नीम का थाना से भी पहले चुनाव लड़े थे धर्मपाल गुर्जर और काफी नीम का थाना के लोगों ने धर्मपाल गुर्जर का स्वागत सम्मान किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज नीम का थाना है, आपने राम कुमार जी का आशीर्वाद लिया, क्या कहेंगे आप? जोर से बोलिए थोड़ा। ओ भाई बंद करवा दे, गाड़ी बैठवा दे, गाड़ी बैठवा दे, अरे गाड़ी बैठवा दे, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, फिर बता। एक मिनट सम्मान हो रहा है, फिर धर्मपाल जी से बात करेंगे, क्या कहेंगे? जलको शेखावटी, आप सभी देख रहे हैं दर्शक। ये अब बात करेंगे धर्मपाल जी से। एक मिनट हट जाओ यार। सर चलो, मतलब और हमारा राजनीतिक सफर भी नीम का थाना से, नीम का थाना से चुनाव लड़ा है। हमने नीम का थाना का प्रतिनिधित्व भी किया है और ये कोई राजनीतिक हिसाब से मैं नहीं आया हूँ, ये तो मेरे पिताजी हैं, उनको धोखा लगाने के लिए मैं आया हूँ, प्रत्याशी मुझे बनाया गया है
और खेतड़ी और नीम का थाना की जनता का हमेशा स्नेह मुझ पे रहा है और ये रहेगा। और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि हमारी खेतड़ी की जीत इस बार शेखावाटी की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं के जोश को और होश को सलाम करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि अच्छे से और बड़ी विनम्रता से चुनाव लड़े, ऐसा मैं अपील करता हूं। आप कई दशकों से आम जनता के बीच हैं, क्या इस बार खेतड़ी की जनता पूरा मूड बना चुकी है आपके समर्थन में? देखिए समीकरण कुछ भी रहे हैं वो समय नहीं है कि मैं पूरी चीज बताऊं आपको, लेकिन खेतड़ी का मूड और विचार पूर्ण रूप से है और हमको ये छोटी जीत नहीं होगी, बड़े मार्जिन से हमारी खेतड़ी। नीम का थाना के लोगों ने आज आपका सम्मान किया है, यहाँ भी आप क्या कहेंगे? और पिताजी के सम्मान पे राम कुमार जी गुजर हैं शहीद, उनकी नीम का थाना के लोग भी जो भी हैं जो हमें समर्थन रखते हैं, हमें विश्वास रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। और मैं तो पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिता का आशीर्वाद लेने आए थे, भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गुजर, हमने बात की है राम कुमार गुजर जी से और उन्होंने कहा है कि मैं मेरे पिता का आशीर्वाद लेने आया था, नीम का थाना से मेरा गहरा नाता है और अब की बार खेतड़ी की जनता मुझे विधानसभा में भेजेगी और उनके लिए मैं काम करूंगा। और इस प्रकार के कहीं यहाँ पर हजारों समर्थक मौजूद है, ये आप देख सकते हो मेरे साथ, यहाँ पे खेतड़ी की जनता बात करेंगे। ये धर्मपाल गुजर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और ये देख सकते हो आप, काफी यहाँ पे संख्या में लोग मौजूद हैं और ये रामलीला मैदान में काफी लोगों का हुजूम है, गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। और धर्मपाल गुजर ने कहा है कि बिल्कुल मैं मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेने आया था, जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं वो शहीद राम कुमार गुजर की है, जो नीम का थाना की राजनीति में गुजर समाज में एक विशेष महत्व रखते थे। और ये गुजर भाई है, कौन है ये तो लग रही होगी लट लेके खड़े हैं। कहाँ से आए हो आप? खेतड़ी से। खेतड़ी से आए हो क्या? ठीक है, ये सामने आप अब मूर्ति देख रहे हो शहीद राम कुमार गुजर की है और पुण्यतिथि थी 28 दिसंबर 1971 में। ये आप देख सकते हो शहीद राम कुमार गुजर को, जो रामलीला मैदान के ठीक बीच में है और गुजर समाज के काफी प्रेरणा स्रोत हैं। राम कुमार गुजर जोर सखा जोर से इंद्रेंद्र रामपाल, आप जानते हो इंद्रेंद्र रामपाल जी को? कौन है इंद्रेंद्र बताइए, रामपाल जी युवा नेता, अच्छा। और ये राम कुमार जी को जानते थे क्या आप? सनी हमारा बाबा है। अच्छा, देखे थे क्या आप इनको? खूब। क्या कहा इन्होंने, मतलब कभी सुना हो तो कुछ इनके वाक्य? चोरी जारी खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, छत्तीसगढ़ चोरी के खिलाफ थे, चोरी मतलब समाज में कुरूतियों के खिलाफ थे। हाँ जी, हाँ खिलाफ थे, चोरी जारी खिलाफ। फोटो तो खींच लेगा, राम कुमार जी के बारे में बताइए, आइए ताऊ जी बताएंगे। नमस्कार ताऊ जी, ये जो राम कुमार जी गुजर थे, आप तो शायद इनसे खूब मिल चुके होंगे, इनके बारे में बताइए कैसे थे, क्या कहते थे? बहुत तगड़ो आदमी तो प्रधान को चुनाव की लड़ियो छोट है, हर जगह आज को छोट अरे भाषण दिया ना तो जब से आदमी का आंखें आंसू निकले था कि भाई नेता ने राजीव में तो बहुत बड़ा नेता था, अच्छा किस्म का आगे बढ़िया वाला एक नंबर का जो देश के प्रधानमंत्री ही रामकारी होते हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री की क्या पद तक जा सकते थे? संघर्ष मतलब बहुत बढ़िया है ना, संघर्ष बहुत बड़ा। और धर्मपाल गुजर के पिता हैं, अच्छा हाँ, प्रेम सिंह बादल भी जीतेंगे अब की बार। नहीं, खेतड़ी से धर्मपाल गुजर की जीत बता रहे हो आप? राम कुमार जी के बारे में बताइए, बहुत बढ़िया आदमी था। क्या कहते थे? समाज सेवी था, समाज की सेवा करता था, गरीब का साथी रहता था।
गरीब की सहायता कर रहे हो। और आप भी बताइए राजेश जी की राम कुमार जी गुर्जर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शहीद राम कुमार गुर्जर ने समाज के लिए काम किया, जो बुराइयां थी समाज में, कुरीतियां थी, जो यहाँ पर डकैती होती थी विशेष रूप से, गुंडागर्दी होती थी, उसके खिलाफ वो लड़ते थे, लोगों को जागरूक करते थे और डकैतों को डरा के धमका के भगाते थे और लोगों को डकैती से बचाते थे। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में उनके प्रति बड़ा सम्मान है, उनका मान है और उसी के कारण से बड़ी संख्या में लोग उनके बेटे इंजीनियर धर्मपाल को जो बार बार जो प्रेम दे रहे हैं उसका यही बड़ा कारण है कि शहीद धर्मपाल गुर्जर ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ के लोगों की सेवा की। राजेश गुर्जर निम्बा बिल्कुल मतलब मुख्य नेता थे शेखावटी के धर्मपाल या राम कुमार गुर्जर? बहुत मुख्य नेता थे हमारे। बाकी ये किसी कारणों से देहांत हो गया, वो मर्डर की मिस्ट्री भी नहीं सुलझी, एक राजनीतिक कारण था या अन्य कोई कारण था, लेकिन एक अच्छे नेता के रूप में राम कुमार गुर्जर की पहचान थी। और आप मेरे साथ देख रहे थे झलको शेखावटी, पेज को फॉलो करें, लाइक करें और खबर को शेयर करें। बाकी राम कुमार जी के गुर्जर का जीवन का जो परिचय है मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है आपके सामने, और दूसरी बात यहाँ पे लोगों से भी जाना है, धर्मपाल गुर्जर से भी जाना है, कर्ण सिंह भोपिया से भी जाना है, राजेश गुर्जर से भी जाना है, इन लोगों से जाना है, इस खबर को शेयर करें। हमने दिखाने की कोशिश की है, बाकी खेतड़ी में भी आके आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।